नागौर के मेरे युवा साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आपके साथ जो धोखा किया है वो भी मैं समझ सकता हूं। आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, आपकी परीक्षा का पेपर कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में बेच डाला। और आप देखिए, मैंने तो हिंदुस्तान में न कभी सुना है न देखा है, और आज मैं राजस्थान से देख रहा हूं, कभी सच्चाई वाले की अलमारियों से, कभी गणपति प्लाजा के लॉकरों से नोटे निकल रही है, नोटे, और साथ में सोना भी निकल रहा है, खजाना। ये कांग्रेस का वो पाप है जो उसने राजस्थान के नौजवानों के साथ किया है। किसान साथियों, ये पैसा, ये सोना आपकी खाद को अवैध तरीके से बेचकर लॉकरों में रखा गया है, आपकी खदानें आपका रोजगार है, लेकिन कांग्रेस ने खदानों की बंदरबांट की, खनन माफिया को बढ़ावा दिया। ये काली कमाई, ये सोने की ईंटें आज मोदी बाहर निकाल रहा है। ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिन्होंने देश को लूटा है उन्होंने लौटाना पड़े कि नहीं लौटाना पड़े? मैं सही कर रहा हूं? जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं? कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात हम मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े, बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे रहे हैं। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मुझे कितनी ही गालियां क्यों न पड़े, मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों न सोचा जाए, लेकिन मैंने आपको गारंटी दी है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आप आश्वस्त रहिए, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। और ये मोदी है, हिसाब कच्चा नहीं करता है, पक्का करता है।